एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अफ़गानी चिकन बनाने वाली हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अफ़गानी चिकन बनाने के लिए मैंने 1/2 kg चिकन लिया है। इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। अगर लेग पीस हो तो इसे इस तरह से कट कर लेना है दो जगह। इससे मसाले अच्छे से इसमें फिल होगा। और मसाले में मैंने 4 हरी मिर्च लिया। हरी मिर्च तीखी है, अगर कम तीखी हो तो और भी ऐड कर सकते हैं। एक बड़े साइज का प्याज लिया मैंने, 10 काजू, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। सभी का पेस्ट बना लेना है। अब चिकन को मैरिनेट करने के लिए एक बड़े साइज का बॉल लेना है। मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज का बॉल लिया है। अब इसमें 100 ग्राम दही रखना है, 100 ग्राम क्रीम और जो पेस्ट बनाया है उसको रखना है। और यहाँ पे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून घी, 1 टीस्पून लेमन जूस और नमक रखना है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग रखना है। और सभी को रख करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें चिकन के पीसेज रख करके इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और कम से कम तो 2 घंटा के लिए इसे मैरिनेट होने देना। इससे चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। अगर आपको जल्दी बनाना है तो कम से कम 1.5 घंटा तो मैरिनेट होने ही देना चाहिए, इससे अच्छा बनेगा। 2 घंटा हो गया है, चिकन भी अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैंने फ्राई पैन में ऑयल रख दिया। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें चिकन के पीसेज रख करके दोनों तरफ से फ्राई करना है। आप चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं। जब चिकन के पीसे दोनों तरफ से फ्राई हो जाए तो इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। ये दोनों तरफ से फ्राई हो गया, इसे एक प्लेट में निकाल लिया। बाकी सारे पीसेज को भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है दोनों तरफ से। अब इसका ग्रेवी तैयार करना है। ग्रेवी तैयार करने के लिए फ्राई पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल रखा है। आप घी भी रख सकते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज़पत्ता रख करके इसे अच्छे से पकने देना है। जब ये अच्छे से पक जाए तो इसमें ग्रेवी रख करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और 1-2 उबाल आने देना है। जब 1-2 उबाल आ जाए तब इसमें चिकन के पीसेज रखना है और चिकन के पीसेज रख करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें 1 कप पानी ऐड करना है, इसलिए कि इसे अभी 15 से 20 मिनट तक पकाना भी है। यहाँ पर मैंने नमक ऐड किया है, नमक थोड़ा कम लग रहा था। अब इसे कवर करके 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देना है। 15 से 20 मिनट हो गया है, कवर हटा करके चेक कर लेते हैं। चिकन अफ़गानी बन के रेडी है। ये बहुत ही अच्छा बना है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है इसमें से। ये बिल्कुल बन के रेडी है। इसे अब कवर करके फ्लेम बंद करके 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और ये बहुत ही अच्छा बना है, एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। और अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।